जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलाका चकेसर में मौजूद हूँ, जहाँ का एक नौजवान सुरीली आवाज़ का मालिक, दोस्तों का दोस्त और यारों का यार परविंदर सिंह, जिसको तकरीबन एक हफ्ता पहले पिशावर में कत्ल किया गया और उनकी जो लाश है वो वहाँ पे फेंक दी गई, जो अगले दिन इनको वर्षा के हवाले की गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, लेकिन इंडिया की जानिब से इनके मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा चलाया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिशी चीज़ें जो चलाई गई, उस पर हम हमारे साथ अब परविंदर के भाई मौजूद है, बड़े भाई उनके, इनसे जानते हैं कि क्या ये यहाँ पे सिक्योर हैं और ये क्या कहते हैं। तो नदन साहब, ये बताएगा कि यहाँ पे आप कितने अरसे से रह रहे और क्या आप लोग यहाँ पर महफूज हैं और किस तरह यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं आपके साथ ट्रीट करते हैं? और बादशाह साहब, इधर हम तकरीबन 90 साल से रह रहे हैं, इधर हम बिल्कुल, ये हमारी मिट्टी है, हमारा इन लोगों से बिल्कुल भाईबंदी जैसा रिश्ता है। हम ये नहीं फील कर रहे कि हम इधर मिनॉरिटी हैं और ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। जो इंडिया ने ये गलत प्रोपेगेंडा जो बनाया है, तो करतारपुर या मतलब गुरुद्वारा ननकाना साहब में जो वारदात हुए थे, उसके फर्स्ट टाइम में उन्होंने ये बात, और जो हफ्ता बाद ये मामला आ गया मेरे भाई का, तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा बना लिया कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी को इस तरह मारा जा रहा है जी। लेकिन ये हमारा इधर इंडिया महसूस नहीं कर रहे, हमारा हमारी मिट्टी है, हमारा मुल्क है, हम इस पे इन लोगों से ज़्यादा ये कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। इस तरह कोई बात मत नहीं है कि 90 सालों में आपको कभी यहाँ पे कोई धमकी तक किसी ने दिया? नहीं 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 जी, इधर हम इन लोगों के साथ इस तरह हैं कि बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। सही, कोई इस तरह मसला है नहीं हमें कि किसी ने धमकाया हुआ, बस ये तो उन लोगों ने। इंडिया को क्या जवाब देंगे इस चीज़ का? तो इंडिया, वो तो हमारा अपना मुल्क की बात है, हम अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क से फ़ख्र करते हैं, ये हमारी मिट्टी है, हम हर किस्म कुर्बानी देने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हैं जी जी। जो इंडिया बना रही है वो तो अब उनकी अपनी बात है, तो लिहाजा ये जो मर्डर हुआ है मेरे भाई का, जिन लोगों ने इन्हें मारा है, तो इनको हम सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से और फिर के पी के से ये हम अप्लीकेशन करते हैं कि इनको केफर किरदार तक पहुंचाया जाए, और जो इनकी ये जमानत का मसला है, ये जो इनको रिहा करने पे आ रहे हैं, तो इस मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जी। बिल्कुल, आपने देखा इनके के तंजिंदर साहब कह रहे हैं कि जो मुलजमान हैं उनको केफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको सजा दी जाए, और ताकि जो इनके भाई हैं जो फोत हुए, जिनको कबे रहमाना कत्ल किया गया, उनको इंसाफ मिल सके। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो इंडिया ने प्रोपेगेंडा रचाया हुआ है, उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क के हालात पहले ठीक कर दे, फिर दूसरे मुल्कों के जो है वो बात करें जी।